आज देखेंगे इम्प्रेशन मटेरियल, ठीक है। उससे पहले देखते हैं डेंटल इम्प्रेशन क्या होता है, ठीक है। इम्प्रेशन क्या होता है? अ डेंटल इम्प्रेशन इज़ अ नेगेटिव रिकॉर्ड ऑफ द टिश्यू ऑफ द माउथ, ठीक है। इट इज़ यूज टू रजिस्टर और रिप्रोड्यूस द फॉर्म एंड रिलेशनशिप ऑफ द टीथ एंड सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है। दो रिकॉर्ड होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक निगेटिव होते हैं। तो निगेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? विच इम्प्रेशन यू मेक, ठीक है। जो इम्प्रेशन आप बनाते हैं, ठीक है, जो इम्प्रेशन आप बनाते हैं, ठीक है, पेशेंट के माउथ से जो इम्प्रेशन आप लेते हैं यूजिंग इम्प्रेशन मटेरियल, ठीक है, इम्प्रेशन मटेरियल को यूज करके, तो उसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव रिकॉर्ड, ठीक है। और जब हम उसमें क्या इम्प्रेशन में क्या करते हैं, पोर कर देते हैं जिप्सम प्रोडक्ट्स को, ठीक है, जब उस इम्प्रेशन में जिप्सम प्रोडक्ट को हम पोर कर देंगे तो वो जो कास्ट बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट, ठीक है, या फिर पॉजिटिव कास्ट, ठीक है। तो निगेटिव क्या होता है? जो हम इम्प्रेशन लेते हैं पेशेंट के माउथ से, वो जैसे हम लेते हैं वो बस निगेटिव होता है, और अगर उसमें हम पोर कर दिए, ठीक है, जिप्सम प्रोडक्ट को पोर कर दिए, तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है? एक्यूरेसी, ठीक है, 100% उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए इम्प्रेशन मटेरियल की, ठीक है, एंड प्लीजेंट टेस्ट ऑर्डर एंड कलर, ठीक है, उसका टेस्ट ऑर्डर कलर प्लीजेंट होना चाहिए ताकि पेशेंट को उसे यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरीटेटिंग होना चाहिए, एडिक्वेट सेल्फ लाइफ होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रेशन मटेरियल का सेल्फ लाइफ क्या होना चाहिए? एडिक्वेट होना चाहिए। इकोनॉमिकल पर्पज से मतलब सही होना चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए जो कि पेशेंट अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है। ईजी टू यूज़ विथ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, एडिक्वेट सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सब सारे क्या हैं? इसके डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये सब हमारा क्या होना चाहिए? इसका डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, एक्सेप्टेबल कंसिस्टेंसी एंड टेक्स्चर, सफिशियंट स्ट्रेंथ, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, स्टेबल अंडर ह्यूमिडिटी एंड इंक्रीज टेम्परेचर, कंपेटेबल विथ जिप्सम प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं? डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसका क्या है? अकॉर्डिंग टू यूज़ इन डेंटिस्ट्री, फर्स्ट क्या? अकॉर्डिंग टू यूज़ इन डेंटिस्ट्री, ठीक है। इसमें हमारे डेंचुलस होते हैं, ईडेंचुलस होते हैं, ठीक है, ईडेंचुलस एंड डेंचुलस। ईडेंचुलस में क्या क्या आते हैं? इम्प्रेशन प्लास्टर, इम्प्रेशन कंपाउंड एंड इम्प्रेशन पेस्ट, ठीक है। और डेंचुलस में क्या होंगे हमारे? एल्जिनेट एंड रबर बेस्ड इम्प्रेशन मटेरियल, ठीक है। फिर से देखें, ईडेंचुलस में क्या होगा? इम्प्रेशन प्लास्टर, इम्प्रेशन कंपाउंड एंड इम्प्रेशन पेस्ट। एंड डेंचुलस में क्या होगा? एल्जिनेट एंड रबर बेस्ड इम्प्रेशन मटेरियल, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा? सेकेंड क्या है? मोड ऑफ एक्शन, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, सॉरी मोड ऑफ सेटिंग, सॉरी मोड ऑफ सेटिंग। इसमें हमारे कितने दो मेथड होते हैं, ठीक है, एक केमिकल मेथड होता है, एक क्या होता है? फिजिकल मेथड, ठीक है। एक होता है हमारा केमिकल मेथड एंड एक हमारा पहला क्या है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में देखें, केमिकल रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं, थर्मोसेट होते हैं, ठीक है। एक बार अगर हो गया तो वो वापस से नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, थर्मोसेट होता है। इसमें हमारा आ गया रिजिड एंड इलास्टिक, ठीक है। रिजिड में क्या क्या आता है? इम्प्रेशन प्लास्टर एंड जेडोई। एंड इलास्टिक में हमारे आते हैं एल्जिनेट, पॉलीसल्फाइड, पॉलीइथर एंड सिलिकॉन्स, ठीक है। ये हमारा रिजिड हो गया, इम्प्रेशन प्लास्टर एंड जेडोई। एंड इलास्टिक में क्या होंगे? एल्जिनेट, पॉलीसल्फाइड, पॉलीइथर एंड सिलिकॉन्स, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकेंड मेथड, फिजिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड में हमारे क्या हो गया? बाय टेम्परेचर चेंज, ठीक है। इसमें रिवर्सिबल एंड थर्मोप्लास्टिक, ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक होते हैं। इसमें भी हमारा रिजिड एंड इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल, ठीक है। रिजिड में क्या हमारा हो गया? रिजिड में आएगा हमारा इम्प्रेशन कंपाउंड एंड वैक्सेस। एंड इलास्टिक में हमारा क्या आ जाएगा? अगार, ठीक है। इम्प्रेशन कंपाउंड वैक्सेस हो गया हमारा रिजिड में, एंड इलास्टिक में हमारा हो गया अगार, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्या है? बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारे नॉन बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होगा? नॉन इलास्टिक एंड इलास्टिक, ठीक है, दो होते हैं। नॉन इलास्टिक में क्या हो जाएगा? इम्प्रेशन प्लास्टर, इम्प्रेशन कंपाउंड, जेडोई एंड वैक्सेस, ठीक है। और इलास्टिक में हमारे फिर से फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं टू पार्ट्स में, हाइड्रोकोलॉइड एंड
नॉन एक्वस, हाइड्रोक्लोराइड मतलब वाटर बेस्ड एंड नॉन वाटर बेस्ड, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड में हमारे क्या हो जाएंगे, अगार एंड एल्जिनेट, एंड नॉन एक्वस में हो जाएंगे पॉलीसल्फाइड, पॉलीईथर, कंडेंसेशन सिलिकॉन एंड एडिशन सिलिकॉन, ठीक है। ये हमारा वाटर बेस्ड होता है, ये नॉन एक्वस होता है। अब देखेंगे हम इम्प्रेशन कंपाउंड क्या होता है। तो हमारा इम्प्रेशन कंपाउंड क्या होता है, इसको और क्या बोलते हैं, मॉडलिंग प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन इलास्टिक, रिवर्सिबल एंड सेट बाय फिजिकल चेंज एंड यूज इन ईडेंचुलस पेशेंट, ठीक है। इम्प्रेशन कंपाउंड कहाँ यूज होता है, ईडेंचुलस पेशेंट में होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन इलास्टिक, रिवर्सिबल, सेट बाय फिजिकल चेंज, ठीक है, एंड यूज्ड इन ईडेंचुलस पेशेंट। एंड अब देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ADA स्पेसिफिकेशन नंबर 3। तो ये कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के, ठीक है। ये होते हैं हमारे टू टाइप्स के, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में हमारा क्या होता है, इम्प्रेशन कंपाउंड आते हैं। टाइप 1 में क्या आते हैं हमारे, इम्प्रेशन कंपाउंड, एंड टाइप 2 में होता है ट्रे कंपाउंड, ठीक है। टाइप 1 में क्या हो गया, इम्प्रेशन कंपाउंड, एंड टाइप 2 में हो गया हमारा ट्रे कंपाउंड, ठीक है। अब देखते हैं हम ट्यूब इम्प्रेशन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ट्यूब इम्प्रेशन क्या होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्यूब इम्प्रेशन क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल टूथ इम्प्रेशन, ठीक है। जब हम किसी सिंगल टूथ का इम्प्रेशन लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्यूब इम्प्रेशन, ठीक है। अब वो कैसे लेते हैं वो बताते हैं आपको, ठीक है। ये है हमारा कॉपर ट्यूब, ठीक है, एक कॉपर का ट्यूब लेते हैं जिसमें क्या भरा होता है, इम्प्रेशन मटेरियल, ठीक है, फिल्ड विद इम्प्रेशन मटेरियल। एंड ये है एक टूथ, ठीक है, सिंगल टूथ, इसमें क्या है हमारा, कैविटी प्रिपेयर्ड है, ठीक है, में कैविटी प्रिपेयर्ड टूथ है। ये कॉपर ट्यूब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेस करेंगे, ठीक है। इस कॉपर ट्यूब को लाके यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। मान लो ये कॉपर ट्यूब उठा के हम यहाँ प्रेस कर दिए, ठीक है। इसमें चूंकि इम्प्रेशन मटेरियल भरा हुआ है, जब हम इसके ऊपर यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे, इस टूथ के ऊपर रखेंगे, तो इम्प्रेशन जो हमारा इम्प्रेशन मटेरियल है वो यहाँ पे क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, ठीक है, इस कैविटी में आके फ्लो हो जाएगा। तो ठीक, इसमें कैविटी में आके फिल हो जाएगा, इससे हमारा एक इम्प्रेशन बन जाएगा। तो इस तरह का हमारा क्या बन जाएगा, एक इम्प्रेशन, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब इम्प्रेशन, मतलब दिस टाइप ऑफ इम्प्रेशन यूजिंग इम्प्रेशन कंपाउंड इन अ कॉपर बैंड इज कॉल्ड ट्यूब इम्प्रेशन, ठीक है। एक बार फिर से देखें, ये है हमारा कॉपर ट्यूब, इसमें क्या भरा हुआ है, इम्प्रेशन मटेरियल, ठीक है, इसमें इम्प्रेशन मटेरियल फिल है। ये हम यहाँ पे ला के इस टूथ पर प्रेस करेंगे, ठीक है, प्रेस ओवर द टूथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इसमें इम्प्रेशन मटेरियल है वो फ्लो होने लगा, ये सेल, ये प्रिपेयर्ड कैविटी है, पहले से ही कैविटी प्रिपेयर्ड है, इसमें फिल होने लगेगा, जिससे हमें इस टाइप का एक इम्प्रेशन मिलेगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब इम्प्रेशन। अब देखते हैं मोड ऑफ सप्लाई, ठीक है, मोड ऑफ सप्लाई क्या होगा। इम्प्रेशन कंपाउंड में बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, स्टिक्स, कोन्स एंड के, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, पहला सीड्स, सीड्स के फॉर्म में हम दे देंगे, ठीक है, सप्लाई करते हैं, ठीक है, और स्टिक के फॉर्म में सप्लाई करते हैं, कोन्स एंड केक्स, ठीक है। देखते हैं यूज, देखिए यूज ऑफ इम्प्रेशन कंपाउंड, ठीक है। प्राइमरी इम्प्रेशन ऑफ ईडेंचुलस पेशेंट कहाँ कहाँ यूज होता है, फर्स्ट है प्राइमरी इम्प्रेशन ऑफ ईडेंचुलस पेशेंट, बॉर्डर मोल्डिंग, सिंगल टूथ इम्प्रेशन एंड चेक अंडर कट्स, ठीक है, इन सब में यूज होता है। अब देखते हैं आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होता है इम्प्रेशन कंपाउंड का, ठीक है। तो इसकी आइडियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, शुड नॉट बी इंजूरियस, ठीक है, इंजूरियस नहीं होना चाहिए, शुड बी सॉलिडिफाई लिटिल एवर रूम टेम्परेचर, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, हार्डन यूनिफॉर्मली, रिकॉर्ड क्या होगा, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, कोहेसिव होना चाहिए, ठीक है, एंड शुड नॉट गो अंडर परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, ग्लॉसी ऑन फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग करने पर क्या होता है, वो ग्लॉसी होना चाहिए, ठीक है, ग्लॉसी दिखना चाहिए, डायमेंशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, एंड ट्रिम्ड होना चाहिए, ठीक है।
ये हमारा क्या है, इसका आइडियल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ इम्प्रेशन कंपाउंड। ठीक है, इम्प्रेशन कंपाउंड का कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करना। ठीक है, फर्स्ट है रेजिन। रेजिन के कितने पार्ट्स होते हैं, 30 पार्ट्स। कोपाल रेजिन, कार्नोवा वैक्स, स्टेरिक एसिड, टॉक एंड कलरिंग एजेंट्स। ठीक है, कोपाल रेजिन के कितने होते हैं, 30 पार्ट्स। कार्नोवा वैक्स 10 पार्ट्स, स्टेरिक एसिड 5 पार्ट्स एंड टॉक क्या होते हैं, 25 पार्ट्स। ठीक है, ये है हमारा कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ इम्प्रेशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखते हैं वी वैक्स क्या होता है। ठीक है, बी वैक्स ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक है, बी वैक्स क्या होता है, बी वैक्स क्या है, ये क्या है, एक यूज होता है, किस लिए यूज होता है, प्लास्टिसाइजर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, इट इज़ यूज एज अ प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है, प्लास्टिसाइजर्स तो और क्या होता है, बी वैक्स के अलावा भी और कौन कौन से प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, सिलैक एंड गट्टा पर्चा। ठीक है, वो भी किस लिए यूज होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड फ्यूजन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, पहले देखते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा हो गया, मान लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, अगर हम इसमें क्या करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या और क्या करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, हीट अप्लाइड, तो इसका क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, लूज़ हो जाता है। ठीक है, इम्प्रेशन मटेरियल का कंपाउंड का हार्डनेस क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, तो हो गया लूज हार्डनेस। अगर हम इस पे हीट अप्लाई करेंगे तो इसका हार्डनेस लूज़ हो जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो मटेरियल क्या फॉर्म कर लेता है, रिजिड मास। ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर हम लूज़ कर देंगे तो मटेरियल रिजिड मास फॉर्म कर लेगा। ठीक है, टेम्परेचर इसका क्या कर देंगे, रिड्यूस। ठीक है, तो ये है हमारा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मतलब दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर बिटवीन द रिजिड मास एंड लॉस ऑफ हार्डनेस इज कॉल्ड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, और ये कितना होता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन टेम्परेचर क्या होता है, तो व्हाट इज फ्यूजन टेम्परेचर। ठीक है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द क्रिस्टलाइन फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन द इम्प्रेशन कंपाउंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन टेम्परेचर, एंड ये कितना होता है, 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फ्यूजन टेम्परेचर मान लो ये है क्या, क्रिस्टलाइन फैटी एसिड सॉलिडिफाई। ये कितना होता है, 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच द क्रिस्टलाइन फैटी एसिड प्रेजेंट इन द इम्प्रेशन कंपाउंड एंड दे सॉलिडिफाई। ठीक है, कितने होते हैं, 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन टेम्परेचर। अब देखते हैं इसके थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इम्प्रेशन कंपाउंड। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, कंडक्टिविटी एंड कॉन्ट्रैक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इम्प्रेशन कंपाउंड इज़ वेरी लो। ठीक है, इम्प्रेशन कंपाउंड का थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत लो होता है, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होने के कारण, ठीक है, इम्प्रेशन कंपाउंड को हम किस में रखते हैं, हॉट वाटर बाथ में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है। इम्प्रेशन कंपाउंड की थर्मल कंडक्टिविटी लो होने के कारण इसको हम किस में रखते हैं, हॉट वाटर बाथ में रखते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है, गर्म पानी बोल में लेकर उसमें डाल देते हैं ताकि वो यूज करने लायक हो जाए। ठीक है, एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, ड्यू टू लो थर्मल कंडक्टिविटी द डिस्टॉर्शन में अगर, ठीक है, लो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से क्या हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, व्हेन इम्प्रेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट माउथ। ठीक है, जब हम इम्प्रेशन पेशेंट के माउथ में लेते हैं, जब उसे हम रिमूव करते हैं, तो एक लीनियर कॉन्ट्रैक्शन उसमें हो जाता है। ठीक है, इम्प्रेशन कंपाउंड में क्या हो जाता है, लीनियर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और वो लीनियर कॉन्ट्रैक्शन कितना, 0.3% होता है। ठीक है, लीनियर कॉन्ट्रैक्शन कितना, 0.3%। दिस लीनियर कॉन्ट्रैक्शन अकर ड्यू टू टेम्परेचर चेंज फ्रॉम पेशेंट माउथ टू द आउटसाइड। ठीक है, और ये लीनियर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो टेम्परेचर चेंज की वजह से। ठीक है, पेशेंट के माउथ से जब हम बाहर निकालते हैं तो उन दोनों के बीच में जो गैपिंग होता है, जो टेम्परेचर चेंज होता है, उसकी वजह से लीनियर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है,
अब हम इस चीज़ को थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, हाउ टू रिड्यूस दिस थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, तो पहला मेथड है रिड्यूस करने का, ठीक है, हाउ टू रिड्यूस, क्या, हाउ टू रिड्यूस थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट मेथड इसका क्या है, फर्स्ट मेथड है बाय रीफ्लेमिंग, बाय रीफ्लेमिंग, ठीक है। हम ट्रे को लेते हैं, इम्प्रेशन ट्रे को लेंगे और उसको फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे, ठीक है। मान लो ये हमारा इम्प्रेशन ट्रे है, ठीक है, जो हम पेशेंट के माउथ से निकाले हैं और उसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेमिंग मेथड क्या होता है, देखे, वंस वी हैव ऑब्टेन इम्प्रेशन फ्रॉम द पेशेंट माउथ, ठीक है, जब हम पेशेंट के माउथ से इम्प्रेशन लेते हैं, पहला इम्प्रेशन लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, इम्प्रेशन को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर, और फिर से दोबारा एक और इम्प्रेशन लेते हैं, ठीक है, हीट करने के बाद फिर से इम्प्रेशन लेते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, रीफ्लेमिंग, ठीक है। पहले हम मान लो इम्प्रेशन लिए, उसके बाद फिर वापस उस ट्रे को हीट करेंगे, ठीक है, और फिर इम्प्रेशन लेंगे, तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं, रीफ्लेमिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे थर्मल कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। एंड सेकेंड मेथड क्या है, बाई कोल्ड वाटर स्प्रे, सेकेंड मेथड क्या है, बाई कोल्ड वाटर स्प्रे, इसकी वजह से भी हमारा जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। कोल्ड वाटर से स्प्रे करते हैं इम्प्रेशन ट्रे के ऊपर, ठीक है, जिससे हमारा थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्टॉर्शन क्या होता है, व्हाट इज डिस्टॉर्शन और कैसे होता है, ठीक है, देखते हैं डिस्टॉर्शन कैसे होता है, ठीक है। पहला हमारा कैसे होगा, स्ट्रेस के थ्रू होगा, ठीक है। स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस रिलीज होता है, ठीक है, इम्प्रेशन कंपाउंड्स अगर स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है, डिस्टॉर्शन या डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्प्रेशन, ठीक है। एंड सेकेंड इज इम्प्रॉपर कूलिंग, ठीक है, इम्प्रॉपर कूलिंग, अगर जो हमारा इम्प्रेशन है वो प्रॉपरली कूल नहीं हुआ, ठंडा नहीं हुआ, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। पहला क्या है, स्ट्रेस रिलीज होगा, ठीक है, इम्प्रेशन से, तो डिस्टॉर्शन होगा। एंड सेकेंड क्या है, इम्प्रॉपर कूलिंग की वजह से डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है, समझ गए, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। स्ट्रेस अगर कम रिलीज हुआ तो डिस्टॉर्शन होगा, मतलब इम्प्रेशन मटेरियल से, ठीक है, स्ट्रेस रिलीज हुआ तो डिस्टॉर्शन होगा। एंड इम्प्रॉपर कूलिंग हुआ तो, अगर वो प्रॉपरली कूल नहीं हो पाया तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं एडवांटेज ऑफ इम्प्रेशन कंपाउंड, इम्प्रेशन कंपाउंड के एडवांटेज क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। पहला क्या होना चाहिए, रीयूजेबल, ठीक है, पहला होता है रीयूजेबल, इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, करेक्टेबल, ठीक है, करेक्ट कर सकते हैं, एंड एक्सटेंडेबल, ठीक है, एक्सटेंड भी हो सकता है, एंड एक्सटेंडेबल, ठीक है। अब इसका हम डिसएडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज में पहला क्या है हमारा, पहला हो गया हमारा विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी, क्योंकि हाई विस्कोसिटी होने की वजह से जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो लेस डिटेल में आता है, ठीक है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं आ पाता है। एंड सेकेंड हमारा क्या होगा, प्रेशर, ठीक है, सेकेंड हो गया हमारा प्रेशर। एंड थर्ड वन इज डिस्टॉर्शन, ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, जब हम इम्प्रेशन लेते हैं तो जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है, उसको कंप्रेस कर देता है, ठीक है, इम्प्रेशन के दौरान उसको क्या करने लगता है, कंप्रेस करने लगता है, इस वजह से इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। और डिस्टॉर्शन होता है ड्यू टू इट्स पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, इसकी पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी की वजह से हमारा क्या होता है, डिस्टॉर्शन होने लगता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है, विस्कोसिटी, प्रेशर एंड डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन कैसे होता है, मैनिपुलेशन हमारा कैसे होगा, दो में से एक, एक होगा हमारा स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, स्मॉल अमाउंट, एंड सेकेंड इज लार्ज अमाउंट। तो स्मॉल अमाउंट का मैनिपुलेशन कैसे हुआ, स्टिक होल्ड डायरेक्टली ओवर फ्लेम, ठीक है, जो हमारा स्टिक होता है उसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, फ्लेम के ऊपर होल्ड करते हैं। एंड लार्ज अमाउंट का क्या होता है, केक्स होता है, केक्स ऑफ इम्प्रेशन कंपाउंड आर इमर्ज इन
हॉट वाटर बाथ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है, होल्ड करते हैं एंड लार्ज अमाउंट में जो केक के फॉर्म में होते हैं हमारे इम्प्रेशन कंपाउंड, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं हॉट वाटर बाथ में क्या करेंगे, इमर्स कर देंगे, ठीक है, जिसके वजह से वो यूजेबल हो जाए, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट का क्या, स्टिक होल्ड डायरेक्टली ओवर फ्लेम, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली ओवर फ्लेम के ऊपर होल्ड करेंगे जिससे हमारा क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। फ्लेम के ऊपर जैसे करेंगे तो हमारा इम्प्रेशन कंपाउंड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मैनिपुलेशन हो गया। अब हम देखते हैं प्रिकॉशन, ठीक है, प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट हमारा है ओवर हीटिंग, ठीक है, ओवर हीटिंग शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। प्रिकॉशन में क्या, ओवर हीटिंग क्या करेंगे, शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, शुड बी अवॉइडेड बिकॉज लो मॉलिकुलर वेट जो इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, वो लीच आउट हो जाते हैं ऑफ द इम्प्रेशन कंपाउंड, ठीक है। इम्प्रेशन कंपाउंड से जो हमारे लो मॉलिकुलर वेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज ओवर नीडिंग, ठीक है, लो मॉलिकुलर वेट इंग्रेडिएंट्स लीच आउट ऑफ द इम्प्रेशन कंपाउंड। सेकेंड क्या है, ओवर ओवर नीडिंग को भी क्या अवॉइड होना चाहिए, ओवर नीडिंग अवॉइडेड बिकॉज इट चेंज द फ्लो ऑफ इम्प्रेशन कंपाउंड, ठीक है। ओवर नीडिंग भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्या करता है हमारे इम्प्रेशन कंपाउंड के फ्लो को क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है, चेंज फ्लो ऑफ इम्प्रेशन कंपाउंड, ठीक है, चेंज द फ्लो ऑफ इम्प्रेशन कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिकॉशन, ओवर हीटिंग एंड ओवर नीडिंग, ठीक है। अब देखते हैं डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन किससे करते हैं, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, आयोडोफोर एंड फिनोलिक ग्लूटरल्डिहाइड, ठीक है, ये हमारे केमिकल्स है जिससे हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, ठीक है। तो आज हमने सारा कवर कर लिया, ठीक है, इम्प्रेशन मटेरियल एंड इम्प्रेशन कंपाउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जेडोई इम्प्रेशन पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इम्प्रेशन पेस्ट, ठीक है।